एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे स्पेशल में। तो दोस्तों, अगर आपके घर में सब्जी ना हो और आपका फ्रिज बिल्कुल खाली हो और आपका बहुत चटपटी सब्जी खाने का मन करे, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक कटोरी बेसन लेंगे। एक कटोरी बेसन को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद दोस्तों, हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सौंफ। सौंफ से इसका जो टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सौंफ को ऐड किया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। धनिया को आधा आधा कूट के हम इसमें डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लिया है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि सब्जी में भी नमक डालना है, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा नमक कम ही इस्तेमाल करें। उसके बाद दोस्तों, इसे सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है दही। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल लिए हैं और अब मैं इसे हाथ से अच्छे से मिलाऊंगी। हमें इस मिक्सचर को मिलाने में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, कि दही और जो मैंने यहाँ पर तेल इस्तेमाल किया है उससे ही हम इसे इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं, इस तरीके का ही हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। इसका डो ज़्यादा हमें टाइट नहीं लगाना है, बहुत सॉफ्ट तरीके से हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके का इसका डो तैयार किया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत सॉफ्ट है। और हम इस पर हल्का सा तेल लगाकर इसे हाथ से अच्छे से आटे की तरह गूंथ लेंगे। जैसे हम आटा लगाते हैं, इसी तरीके से इसे गूंथेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। और गूंथते समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने हम अपने डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, इतने हम दूसरी तरफ कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे। पानी को हमें एक मीडियम फ्लेम पर ही रखकर तैयार करना है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो इक्वल रहना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसलिए एक मीडियम फ्लेम पर ही हम इस पानी को गर्म करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पानी गर्म हो गया है और दूसरी तरफ हम अपने डो को अच्छे से एक बार और मल लेंगे। जैसे हम आटा मलते हैं, इस तरीके से ही हम दोबारा अपने डो को एक बार फिर से तेल लगाकर हल्का हल्का मलेंगे। तो देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके गट्टे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें से एक लोई के बराबर का हम इसमें से पेड़ा तोड़ लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसके थोड़ी सी बाउल से बना के मैंने यहाँ पर इसका एक पेड़ा तोड़ लिया है और मैंने इसे एक लंबी शेप दी है। आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा भी आप पसंद करें आप उस तरीके से इसे शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से थोड़ा लंबे शेप में काटा है। और उसके बाद मेरे जो गट्टे हैं वो तैयार हो गए हैं। मैं अब इसे पानी में डालूंगी, जो मैंने पानी उबलने के लिए रखा था उसमें हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। इसका फ्लेम हाई नहीं करना है, इसका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर रखना है हमें। तो अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो गट्टे हैं वो थोड़े थोड़े बनने शुरू हो गए हैं। इसकी जो पहचान होती है कि गट्टे हमारे परफेक्ट से बन गए हैं या नहीं, तो इसे आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके के बबल आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमारे जो गट्टे हैं वो कच्चे हैं, तो अभी हम इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतने हमारे गट्टे बन गए तैयार होते हैं, इतने हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 से 7 लहसुन की मैंने यहाँ पर कलियाँ ली हैं। हम सारे मसाले को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मसाले को हमें ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ली है। हम जो मसाले मिलाएंगे वो हम सारे इसी में मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर इस दही में ही ऐड कर लिया है। और हम इस मसाले को दही के साथ अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से दही में ही फिट जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने यहाँ पर मसाले को अपने को तैयार कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे गट्टे भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे गट्टे में बबल आ चुके हैं। तो अब हमारे परफेक्ट तरीके से जो गट्टे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे।
बहुत आराम से आपको इन गट्टों को निकालना है, क्योंकि ये उबल कर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, टूट ना जाए, इसलिए बहुत हम आराम से इन्हें कढ़ाई में से निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें चक्कू की हेल्प से काट लिया है, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इन्हें काटा है। लेकिन वो जो पानी हमने जो जिसमें हमने गट्टे उबाले थे वो आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उसे हम सब्जी में यूज़ करेंगे, इसलिए हम उसे सेपरेटली एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इन्हें फ्राई किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक तेल गरम कर लिया था और इस तरीके से मैंने अपने गट्टों को बहुत मीडियम फ्लेम पर, इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, और इसी तरीके से हम इन्हें सारे गट्टों को अपने फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे सारे गट्टे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें छौंकने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल लेंगे, तो तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच हींग। हींग डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा भी अच्छे से तड़क गया है हमारा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज का चॉप्ड अनियन। अनियन को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा जो अनियन भी है वो लाइट ब्राउन हो चुका है और वो अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर, मिर्च, लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो हम अब इसमें ऐड करेंगे, और उसे भी हम तब तक भूनेंगे तब तक कि हमारा सारे मसाले का कच्चापन ना निकल जाए, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और जो तेल है वो भी सेपरेटली निकल कर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दही हमने मसाले मिलाकर रखी थी, वो दही हम अब इसमें डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे डाल दिया और मसाले में अच्छी तरीके से हम इसे मिलाएंगे, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेल बहुत अलग मसाले से निकल कर आ गया है और हमारा मसाला दही के साथ अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे गट्टे जो हमने फ्राई करके रखे थे, वो हम अब इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने पानी अपने गट्टे का बचा कर रखा था जिसमें हमने गट्टों को बॉईल किया था, वही पानी हमें अब इसमें डालना है। अलग से आप कोई पानी इसमें नहीं डालिएगा, वरना हमारी सब्जी का टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। आप वही पानी अगर इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे गट्टे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होंगे, तो हमें उसी पानी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जैसी भी आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी को अच्छे से मिला दिया है और इसे मैंने 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 5 मिनट हो चुकी है और हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे एक बार अपने घर ज़रूर ट्राई करें, और आपका कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।